जय हरि हरि बोल। मैं बोलूं थोड़ा मुझे बहुत लेट हो रहा है। अरे मैं तो बोलता हूँ, तुम लोग बोल लोगे ना, पर मेरे को राहत सुनने का। तुम बोलो, दो मिनट क्या बोलेंगे, उनको दो, तुम भी दो मिनट, वो भी दो मिनट, चार दो बोलो फट बोलो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। गुरु गोराम की कृपा से सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों में कृपा अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण अरविंद मेरा आनंद कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सब पार्षद रूपा जयुक्त हो, यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथायोग्य। गुरुदेव की आज्ञा है, जिस स्थान पर अभी हम बैठे हैं इसके विषय में कुछ कथा सुनाने के लिए। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते करते आज एकादशी का दिन है, बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है। एकादशी करते करते हम जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं यह है राधा कुंड के अंतर्गत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन स्थल। निकट में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि मंदिर है, जिन्होंने उनका भी यहाँ पर उनका भजन स्थल है। और जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है और रघुनाथ दास गोस्वामी यहीं पर ही भजन किया करते थे। यहाँ पर भी उनकी बैठक है और पीछे मंदिर के अंदर में उनका समाधि मंदिर है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड जो है, इन कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे प्रकट हुए हैं, हम लोगों ने कथा पहले भी श्रवण की है कि जब कृष्ण ने एक असुर का वध किया था जो गाय का बछड़ा होकर के आया था, अरिष्टासुर का वध करने पर जो गोपियां हैं वो कृष्ण से कहती हैं कि हम गोप हैं और जो गाय है वो हमारी आराध्य है, उन्हीं के ही कारण हमारी जीविका चलती है, हम गायों की सेवा करने वाले हैं, हम गोप हैं। और आपने क्या करा, एक जो गौ वंश का ही एक जो था उसका आपने वध कर दिया, इसलिए आप अपवित्र हो गए हैं। कृष्ण गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण को कहती है कि आप जाइए और समस्त तीर्थों में स्नान करके आइए, तत्पश्चात ही आप हमको स्पर्श करिए, वरना आपके स्पर्श से हम भी अपवित्र हो जाएंगे। तो हास परिहास में गोपियाँ इस प्रकार कृष्ण को कहती हैं। कृष्ण जो हैं वो कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण जो समस्त जो सभी वस्तुओं के जो सार स्वरूप जो कृष्ण है, अब वो हर तीर्थ में जाके स्नान करने की अपेक्षा कृष्ण के एक इशारे से समस्त तीर्थ वहाँ पर आकर उपस्थित हो गए हैं। और कृष्ण ने ये जो श्याम कुंड है इसकी रचना करी है और कृष्ण के आदेश से समस्त तीर्थों ने वहाँ पर जल दे करके उस कुंड को भर दिया। तो इस प्रकार ये जो श्याम कुंड है जहाँ बैठे हैं, निकट में श्याम कुंड है, तो श्याम कुंड की उत्पत्ति यहाँ पर हो गई। इसमें कृष्ण ने स्नान किया। लेकिन अब कृष्ण जो है वो हास परिहास में, ये गोपाल चंपू की कथा है, हास परिहास में जो कृष्ण है अब वो गोपियों को कहते हैं कि देखो
माना कि वो जो असुर था अरिष्टासुर वो बछड़े के रूप में था, लेकिन था तो असुर, और मैंने उसका वध किया तो मैं पवित्र हो गया, मैं तो स्नान करके पवित्र हो गया। लेकिन आपने क्या किया है, आप गोपियों ने जो दुष्ट जो असुर था उसका साथ देने के कारण अब आप लोग भी अपवित्र हो गए, इसलिए अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग भी इस कुंड में स्नान करके पवित्र हो जाइए। लेकिन वहां पर जो राधा रानी कहती है कि अगर हमें स्नान करना ही होगा तो हम आपके कुंड में क्यों स्नान करेंगे, हम हमारे कुंड की स्वयं रचना करेंगे। तो वहां पर राधा रानी ने जो है अपने बड़े ही सुंदर कंगन से जो है वो राधा कुंड को वहां पर प्रकट किया। लेकिन अब उसमें जल कहाँ से डाला जाए, अब वहां पर उसमें जल भी देना है, कृष्ण को समस्त तीर्थों का आह्वान किया था। तो कृष्ण कहते हैं हे राधा रानी, आप सभी समस्त गोपियों को कहते हैं कि आप ये श्याम कुंड का जल लेकर के अपने कुंड को भर लीजिए। लेकिन राधा रानी कहते नहीं, हम किसी से कोई कम नहीं है। और समस्त गोपियां मिलजुल करके मां सी गंगा से मटका भर भर के जल उधर डालने लगे। तभी कृष्ण समस्त तीर्थों को इशारा करते हैं कि देखो मेरी सेवा करने से वो फल की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, जब तक मेरी पूर्ण कृपा आपके ऊपर में नहीं होगी, इसलिए आप लोग सभी राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको अपना सेवा दान दे। तब समस्त तीर्थ जो है वो राधा रानी पे जाके प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी जब तक आपकी कृपा हमारे ऊपर में नहीं होगी, जब तक हम कृष्ण की और आपकी जो सेवा है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए राधा रानी हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए ताकि हम हमारे जल के द्वारा आपके कुंड को भर पाए। तब राधा रानी प्रसन्न होकर के वहां पर उनको अनुमोदन करती हैं, जिससे समस्त तीर्थ जो है वो अपने जल से उस कुंड को भर देते हैं। तो इस प्रकार राधा कुंड भी प्रकट हो गए और कृष्ण ने अंत में दोनों ही कुंडों को बांसुरी द्वारा जोड़ दिया। तो ये जो है राधा कुंड और श्याम कुंड ये यहाँ पर प्रकट हो गए। और कृष्ण लीला के बाद में जैसा अंतर ध्यान होने पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जब अन्य गोस्वामियों द्वारा समस्त लीला स्थली को महाप्रभु ने दोबारा प्रकाशित करवा दिया, लेकिन ये जो राधा कुंड और ये श्याम कुंड ये कौन है, स्वयं राधा और कृष्ण है और गिरिराज के दो नेत्र समान ये बड़े सुंदर दो कुंड है। तो महाप्रभु स्वयं आकर के यहाँ पूछते हैं कि यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड, जब नहीं पता चलता तो हिंट मिलता है, एक इशारा मिलता है कि एक काली खेत और एक पीली खेत है, तब महाप्रभु समझ जाते हैं कि अवश्य ही राधा कुंड श्याम कुंड है। और स्वयं महाप्रभु अपने हाथों से आकर के यहाँ पर इन राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकाशित करते हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ रह के भजन करते थे, तब जब इनका जीर्णोद्धार करने लगे कुंडों का, करते करते पंच पांडवों ने स्वप्न देकर के कहा कि हे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हम पंच पांडव हैं, यहाँ वृक्ष रूप में राधा रानी के जो राधा कुंड की तलहटी में भजन कर रहे हैं, कृपया हमें मत काटे कीजिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उन्होंने इन वृक्षों को यहाँ पर छोड़ करके एक कुंड का जीर्णोद्धार कराया है, जो हम देख रहे हैं ये बड़ा सुंदर स्थान है, हमारे समस्त गुरुवर्ग यहाँ पर आए हैं, समस्त गुरुवर्गों की यहाँ पे चरण डोली है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। मैं विशेष रूप से गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम यहाँ की महिमा को समझ पाए, बस यही बोल करके आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वांछ राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट कर दिया, जब उन्हें राधा कुंड को चौगुना बना दिया, लेकिन अभी कृष्ण राधा कुंड पर कृष्ण कुंड को भी चौगुना बनाना चाह रहे थे, इतने में पंच पांडव ने स्वप्न दिया यहाँ पर हम वृक्ष रूप में भजन कर रहे हैं, अगर चौगुना रूप में बनाओगे तो फिर हम काटे जाएंगे, लेकिन अभी हमारी संधि नहीं हुई है, इसलिए दक्षिण दिशा में आकर के नाम पंच पांडव एक लाइन से हम खड़े हैं। फिर सतमुख से जब सबरे आकर के देखा यहाँ पर पांच वृक्ष रूप में यहाँ पर पंच पांडव एक लाइन पर खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने बोले भैया कृष्ण जैसे टेढ़े हैं, क्योंकि जैसा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेश सर्व का वस्तु रतन तबल्लवा, कहते राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, ये राधा कुंड स्वयं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण कुंड स्वयं कृष्ण और राधा रानी तो सिद्धि जाती, इसलिए राधा रानी जैसे कुंड भी सिद्धि जाती, इसलिए चाल बना है कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है, देखना ये कुंड भी देखो ये तीन जगह से ये टेढ़ा है, ये कृष्ण कुंड, इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने जोग माया को आदेश दिया, फिर जोग माया को आदेश दिया, जोग माया ने वृंदादेवी को आदेश दिया, देखो वृंदे कि राधा कुंड श्याम कुंड को कितने सुंदर बनाओ, जिसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ सुंदर ये स्थान होनी चाहिए, इसलिए श्री वृंदादेवी या क्या करती हैं कि जो पौर्णमासी ये समष्टि लीलाओं की पुष्ट करने वाली ये पौर्णमासी कहती ये जोग माया है, लेकिन जो वृंदा देवी विशेष करके उनका मधुर लीलाओं को पुष्टि करने वाले श्री वृंदा देवी, इसलिए वृंदा देवी वर्णन आता है इतने सुंदर उन्होंने बनाया, जहाँ पर चार तरह का कमल खिला हुआ है, रक्त कमल पीत कमल लीन कमल
पीला रंग की कमल, श्वेत कमल, चार तरह का कमल, सुंदर राजहंस क्रीड़ा कर रहे थे और चारों तरफ में इतने सुंदर बनाया, जिसको भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं ना, चिंतामणिमय राधा कुंड तट तारे कुंज शतश जो जिसका जो सीढ़ी कहीं से बने बोले चिंतामणिमय, चिंतामणि से बनी हुई और यहाँ पर वृक्ष कद मुक्ता फले अवनत, कद वृक्ष में भी कृष्णा मुक्ता एक वृक्ष है ना, मुक्ता वृक्ष है, यहाँ पर मुक्ता कुंड है इसलिए वृक्ष में मुक्ता फल होता था, मोती सुंदर, और चारी तरफ में बेली शमेली जूरी केतकी मालती, चारी तरफ इतना सुंदर, और कोयल कुकू कर रहे हैं, मयूर केका कर, अद्भुत रूप में उन्होंने ये कुंडों को अद्भुत रूप में बनाया। उधर देखा जो जानवर ठाकुरानी का जो बैठक है, बैठक है वो अनंग मंजरी है, है? वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ी सुंदर रूप में वर्णना करते हैं अनंग मंजरी का कुंज कहाँ पर है, और जो राधा कुंड जिस कैसे यहाँ पर सुंदर कैसे वेदी बनी हुई, और उन्होंने इतने सुंदर कुंज बनाया, बोले जो कुंजों का रंग नीला रंग है, किसका पीला रंग है, किसकी हल्दी रंग है, तरह तरह का कुंज है, वो कैसे कहते, कोई कुंज तो बना हुआ केवल फूल फूल से, कोई कुंज बना हुआ केवल पत्ते पत्ते से, बोले कुंज की विशेषता क्या है कि कुंजों के अंदर में जब प्रवेश करते हैं राधा कृष्णा, कुंज का रंग और उनका रंग एक हो जाता है, एक अद्भुत केवल उसी जगत में ये संबंध है। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर देखें कुंज में क्या हो रहा है हम देख नहीं सकते, ऐसे उन्होंने कुंज अद्भुत कुंज उन्होंने बनाया है। यहाँ पर अष्ट सखाओं का भी कुंज है, अष्ट सखियों का कुंज है, अष्ट मंजरियों का कुंज है, उस तरफ में अलग 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 जब हम उधर जाएंगे ना ललिता कुंड कुंड नहीं ये कुंज था, पहले सखाओं का भी कुंज था लेकिन सखाओं ने सखियों को दे दिया, सखियों ने छीन लिया सारी कुंजियों को, सखाओं से छीन लिया सारी, गुरुदेव कहते छीन लिया सखियों ने है, इसलिए सबके सब छीन लिए हैं। और यहीं पर जब उन्होंने सुंदर रूप में यहाँ पर क्या विशेष करके यहाँ पांच विशेष लीला होता है, पहले कौन सा लीला है, पहला लीला है इंदो लीला, राधे झूलन पधार झुके आए, आज तो झूलन का मौसम है, अभी झूलन ये चारी तरफ में उन्होंने चार कुंज कहीं ये सुंदर, कहीं तमाल वृक्ष में, कहीं कदम वृक्ष में, नीम वृक्ष में, इसलिए है इसलिए बकुल वृक्ष में सुंदर वहाँ पर क्या बनाए झूला, झूला बनाए राधा कृष्ण जब झूला में बैठ करके ऐसे ऐसे जब झूलते हैं ना, ऐसे ऐसे जब झूलते हैं इतना सुंदर, जैसे नीचे एकदम पानी कांच जैसे, ऊपर तो झूलते हैं राधा कृष्ण लेकिन लगता है जैसे कोई अंदर में कोई झूल रहा है, अच्छा इतना अद्भुत रूप में है सुंदर झूला, झूला लीला है, और झूला लीला विशेष करके इधर कृष्ण इधर राधा, कभी कृष्ण राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए होते हैं, जब ऐसे ऐसे करके झूलते हैं राधा रानी का चरण जब ऐसे जाती है ना, तब राधा रानी के चरण में जो उन्हीं से चिन्ह है उस समय श्याम सुंदर को दर्शन होता है, क्योंकि ये झूलन लीला का विशेष महत्व है। और यहाँ पर मधुपान करते थे, यहीं पर जल विहार राधा सुंदर श्याम कुंड पर रासलीला के बाद में यहाँ जल विहार होता था, उसके बाद में यहीं पर बोटिंग नौका पांच टाइम यहाँ पर होती थी, कुंज लीला होती थी, विशेष कर पासा कर विशेष करके यहाँ पांच जो मधुर मधुर लीला राधा कुंड श्याम कुंड में पांच लीला करते थे हैं, अष्टका लीला कहते, विशेष करके यहाँ की विशेषत्व है, तो गुरुदेव कहते थे कहते किसी स्थान की अगर महिमा को अगर हम समझना चाहते हैं कहते पांच तीन दृष्टिकोण से उसको विचार करनी चाहिए, बोले तीन दृष्टिकोण किया बोले स्थान काल पात्र और पात्र, तो गुरुदेव इसकी महिमा कहते थे बोले स्थान, बोले ये स्थान किया बोले राधा कुंड श्याम कुंड, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी रासोत्सव, इसलिए कहते वैकुंठ से श्रेष्ठ किया है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन जहाँ पर उन्होंने रास किया, वृंदावन से श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन, लेकिन गिरिराज गोवर्धन से श्रेष्ठ क्या है राधा कुंड श्याम कुंड, श्याम कुंड है कहते राधा कुंड श्याम कुंड है क्या जी, बल्कि ये दो आंखें हैं गिरिराज गोवर्धन की, ये दो आंखें हैं, जैसे किसी व्यक्ति को जो हम देखते हैं ये व्यक्ति सुखी ना दुखी कैसे पता चलता है आंखों से, मुखमंडल आंख बात करता है ना, आदमी बात, इसलिए आंखों से देख कर पता चल जाएगा भैया
है, एक व्यक्ति सुंदर सब कुछ लेकिन आंख नहीं, लेकिन बेकार है। इसलिए कहते हैं जो आंखें हैं शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग ही दो आगे, इसलिए राधा कुंड श्याम को दी क्या दो ये आंखें हैं, है? इसलिए कहते हैं यहाँ पर बोले स्थान राधा कुंड और श्याम कुंड, राधा कृष्ण दोनों ही कुंड रूप में विद्यमान। स्थान बोले काल, बोले काल में यहाँ पर अष्टजाम की लीला है, अष्टजाम की लीला में विशेष करके यहाँ पर कौन सा लीला है, मध्यान्ह लीला। मध्यान्ह लीला में गुरुदेव यहाँ पर कहते थे जैसे अष्टजाम को तीन तीन आठ तीन छब्बीस तीन 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 घंटा है, लेकिन कहीं ढाई घंटा कोई दो घंटा, लेकिन यहाँ पर जो लीला विशेष करके चार घंटा यहाँ पर लीला होती थी, और जो चार ही घंटा यहीं पर आकर राधा कृष्ण जब लीला करते हैं, दूसरे दूसरे जगह में कहीं कहीं जटिला कुटिला का डर रहता था, अगर कोई आकर के बोलते जटिला जटिला कुटिला कुटिला सब भाग जाते थे, इधर राधा रानी इधर, लेकिन यहाँ पर योग माया के द्वारा सुरक्षित था, ये योग माया रक्षा करती थी, इसलिए यहाँ जटिला कुटिला की प्रवेश वर्जित था, इसलिए यहाँ पर स्वच्छंद रूप में यहाँ पर राधा कृष्ण लीला करते थे। इसलिए जब लीला करते राधा कृष्ण कहते जो जो प्रेम वैचित्र है, जो प्रदीप उन्माद, जो प्रेम वैचित्र प्रदीप उन्माद, कहते यहाँ पर कहीं, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का कहीं श्लोक है, कहते वृंदा वृंदा विपिन सुरम में अभी, यद्यपि वृंदावन की बहुत महिमा है, वृंदावन धाम है, कहते श्री प्रेम सरोवर की भी बहुत महिमा है, उद्धव कुंड का भी बहुत महिमा है उस श्लोक में कह रहे हैं, लेकिन सौ महिमा होने पर भी, लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड का जो महिमा है, कहते ये सारे स्थान का महिमा को मिलाने पर भी राधा कुंड श्याम कुंड का एक बूंद के साथ में भी सारे महिमा को एक करने पर भी आप बराबर नहीं कर सकते, इतने राधा कुंड श्याम कुंड की महिमा है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए यहीं पर बैठी करके विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ को लिखे, यहीं पर बैठी करके, और उन्होंने विलाप पुष्पांजलि, विलाप मतलब राधा के विरह में रो रो करके, जैसे हम एक एक पुष्प को ठाकुर का चरण में देते हैं, उन्होंने एक एक श्लोक को उन्होंने एक एक पुष्प रूप में श्री किशोर जी के चरण में उन्होंने प्रदान किया, अद्भुत श्लोक है जो कहते जो महापुरुष जगत में जो आए, जो अनर्पित चरिचिरा प्रेम देने के लिए, वो अनर्पित चरिचिरा प्रेम है किया जी, उसका क्यों सर्वश्रेष्ठत्व है, यदि विलास उस्मांजलि ग्रंथ में ही उसमें ये सब चीज़ को वर्णना किया है, ये मंजरी भाव है क्या जी, उन्होंने यहीं पर बैठ करके कहते राधा कुंड को उन्होंने राधा रानी के स्वरूप मान करके राधा रानी के चरण में यहीं पर राधा कुंड प्रार्थना करते थे, और राधा रानी मान करने पर कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण राधा कुंड में तीन बार स्नान करते थे, हैं तीन बार स्नान करते हुए उन्हें राधा कुंड में बैठी करके उन्हें राधा रानी के मंत्र को उच्चारण करते हुए राधा रानी कैसे प्रसन्न हो गए, क्योंकि राधा रानी कुंड रूप में विद्यमान है, इसलिए ये कुंड के पास बैठ कर कृष्ण राधा रानी को ध्यान करते थे, और कहते जब राधा रानी एक तरफ में बैठी हुई मान करके, इसलिए जब हवा बहते हुए राधा रानी की कपड़े में हैं स्पर्श करते हुए उनका अंचल में जब हवा आकर के श्री कृष्ण का शरीर को स्पर्श करता था, बोले धन्यादि धन्य पवने मानी, इसलिए कृष्ण कहते थे मेरे जीवन धन्य हो गया है, हवा उन्होंने राधा रानी के अंचल को स्पर्श करते हुए मेरे शरीर को उन्होंने स्पर्श किया है, इसलिए कहते स्थान कहते काल कहते पात्र, पात्र मतलब कृष्ण जब यहाँ पर विशेष करके लीला करते थे जैसे स्वपक्ष विपक्ष या तटस्थ अलग अलग गोपियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर केवल राधा रानी की पक्षीय गोपियाँ ही यहाँ पर उनको लीला में मदद करने वाले केवल राधा पक्षीय गोपियाँ यहाँ पर रहती थी, इसलिए हर दृष्टिकोण से जो राधा कुंड श्याम कुंड, इसलिए हमारे सारे गोस्वामी लोग भी यहीं पर अब दर्शन करते करते हम लोग ना आए, सारे गोस्वामी लोग यहीं पर बैठ कर भजन दर्शन किया, इसलिए स्थान बहुत अत्यंत अत्यंत हैं हमारी संप्रदाय के लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम जो भजन साधन कर रहे हैं भजन साधन एक लक्ष्य है, कब एक दिन ऐसा आए एक दिन हमारे श्री जो अपराकृत दिव्य राधा कुंड श्याम कुंड कृष्ण जिला में तो वहाँ पर हमारे निवास हो और राधा जी के आनुगत्य में हम सेवा कर पाए, इसलिए बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, श्याम कुंड की जय। यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जो छवि देखा, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में बैठ करके जब भजन करते थे, जब धूप कड़क धूप में राधा रानी स्वयं आ करके अपना आंचल को अपना आंचल को ऐसे करते हुए खड़ी रहती थी, उन पर छाया करती थी,
सनातन गोस्वामी देखे तो सनातन गोस्वामी बोले राधा रानी को इतने कष्ट क्यों देता, बोले क्या देता हूँ, कहले मैं स्वयं देखा जब धूप में बैठ कर भजन कर रहा था राधा रानी स्वयं हमारे सर के ऊपर में इसे चुनरी को पकड़ कर खाई, इसलिए राधा रानी को कष्ट मत दिया करो। देखा तुम्हारे पास में दो बाघ को देखा पानी पीते हुए, तब जब रघुनाथ दास गोस्वामी का जो भजन कुटीर देख कर आए तो उनके लिए उन्होंने एक सुंदर कुटिया बना दी जहाँ पर रह करके वहीं पर वो साधारण भजन करते थे। और यहाँ पर बहुत बहुत कुछ लीला है, इसलिए यहीं पर ही सनातन गोस्वामी ने बेड़ी ब्याला प्रणाम, यहाँ पर एक कोणा है, उसी कोणे में ही जब सनातन गोस्वामी जा रहे थे जब ये बारिश हो रही थी तो चाटू पुष्पांजलि में जो श्लोक था है उन्होंने बोले राधा रानी को चुटकी को उस सांप को साथ में कैसे अपने बराबर कर लिया, सचमुच से उन्हें आकर देखा सचमुच से झूला में झूल रही थी और दूर से ऐसे लग रहा था जैसे तीन चार सांप सर्प पर चढ़े हुए, बोले लाली लाली क्या कर रहे तुमको दिख नहीं रहा है। जब आए इतने में राधा रानी थोड़ी सी मुस्कुरा दी मीठा करके फिर अंदर ध्यान हुआ, बोले ये क्या लो रूप गोस्वामी जो चाटू पुष्पांजलि लिखे इसको प्रमाणित करने के लिए कृष्ण से राधा रानी बोले रूप ने जो लिखा सही लिखा है इसलिए मेरे को उन्होंने दर्शन करवा दी। इसलिए यहाँ पर बहुत बहुत सारी लीला है, महाप्रभु उसी कोणे में बैठ कर भजन करते थे और राधा कुंड श्याम सामने रख करके, क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड स्वयं राधा और कृष्ण ही है सामने रख करके बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कुंड की जय जय दास गोस्वामी जय कृष्ण दास कविराज गोस्वामी की तुलसी पंच पांडव की मोहिनी एकादशी की मोहिनी एकादशी आज से सबसे बड़ा एकादशी है एकादशी जो हजार साल के बाद में आया है इसलिए हम उसी राधा कुंड श्याम कुंड आए मतलब बहुत बड़ी बात है ठीक है मानंदे हरि हरि बोल।